हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें इस बार कितने मार्क्स पे MBBS मिलेगा, कितने मार्क्स पे BDS मिलेगा, कितने मार्क्स पे BMS मिलेगा। इन सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वी नो दैट काउंसलिंग आप लोग इंतजार कर रहे हैं और काउंसलिंग कई जगहों पर शायद अब स्टार्टिंग होने की प्रक्रिया में है, क्योंकि MCC के ऊपर दबाव है कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी की जाए और जल्दी सेशन भी स्टार्ट होने की बात कही जा रही है। NTA के द्वारा ये कहा जा रहा है आप लोगों के लिए कि इस बार का सेशन 31 अगस्त तक आप लोगों को जो भी काउंसलिंग के प्रोसेस है वो कंप्लीट करा लेने हैं, क्योंकि 31 अगस्त के बाद आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा NEET 2023। इस बार के सारे स्टूडेंट्स का, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, सबको ले लिया जाएगा और MBBS की क्लासेस सभी कॉलेज में स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, इस बार सभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, मैंने इतना मार्क्स लाया है, मैं 400 लेके आया हूँ, मैं 350 लेके आया हूँ, मैं 500 लेके आया हूँ, 550, 600, 650, 700 क्या मुझे मिलेगा। सबसे पहली बात कि जो 700 लेके आए होंगे वो तो बिल्कुल बहुत खुश होंगे। कुछ लोगों में ना खुशी भी होती है, क्योंकि 700 यार कम से कम कुछ और होता, ये नहीं सोचना है कुछ और होता, जितना होना था उतना हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब आपको ये सोचना है कि मुझे कौन से कॉलेजेस चाहिए और किस कॉलेजेस के लिए मैं एलिजिबल हूँ और मुझे 700 में क्या मिलेगा। बहुत कुछ मिलेगा भैया, आपको बहुत कुछ मिलेगा। 700 अगर आप लोग लाए होंगे तो आप दोनों कोटा के लिए एलिजिबल हो। आप ऑल इंडिया कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और स्टेट कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब ऑल इंडिया कोटा में ही बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा आपको, तो फिर स्टेट कोटा में क्यों जाना है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपका एडमिशन 100% बेहतरीन कॉलेजेस में होगा, इवन आपको एम्स भी मिल सकता है कई राज्यों में। जो 650 लेके आए होंगे उन स्टूडेंट्स का क्या है, MBBS के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर जो 650 लेके आए होंगे उनका भी मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है 100% कि उनको MBBS मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी और स्टेट कोटा के थ्रू भी। बस यही कि सीट के ऑक्यूपाइजेशन को देखना है, सीट के वैकेंसी को देखना है कि सीट वैकेंट है या नहीं है। अगर होगा तो फिर आप लोग को 650, इट इज़ अ वेरी गुड मार्क्स फॉर MBBS। एश्योरेंस रखना है 100% कि मुझे मिलेगा। अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं मिल रहा है तो स्टेट कोटा में तो डेफिनेटली मिलेगा और सभी जगहों पर मिलेगा। कुछ जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं जो NIRF के रैंकिंग पर आते हैं, शायद उसमें थोड़ी मुश्किल होंगी, लेकिन आपको भी कॉलेजेस मिलेगा। 600 वाले स्टूडेंट का क्या कहना है कि मुझे सर MBBS मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर केवल किसके बारे में, तो जनरल कोटा के बारे में। मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ ये जनरल कोटा के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, अगर जो स्टूडेंट 600 लाए होंगे, सर क्या चांसेस है, चांसेस बनता है सर, लेकिन चांसेस ज़्यादा नहीं बनता है, इसलिए क्योंकि पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल की संभावनाएँ कुछ ज़्यादा हैं और बहुत सारे प्रिडक्टर के द्वारा, इवन मुझसे, मैं भी ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि पिछले साल अगर 600 मैं बोल रहा था, तो इस बार बहुत ज़रूरी है जनरल कोटा के लिए 620 प्लस लाना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर MBBS इन देयर स्टेट कोटा, अपने स्टेट कोटा में, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा इतने समय तक फिल आई थिंक ही हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये थे 600 की बात। अब इसी में मैं बात करूं, जितने भी मैंने मार्क्स लिए हैं OBC कैंडिडेट और OBC से लेके EBC कैंडिडेट, देर इज़ नो मैनी डिफरेंसेस बिटवीन देम इन द मार्क्स प्रोसेस। लाइक अगर मैं बात करूं कि OBC कोटा के लिए, जहां तक मैं 600 या फिर 700 बात कर रहा था, तो 700 में मात्र 5 और 10 मार्क्स डाउन करके आप OBC और EBC कोटा के लिए बात कर सकते हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना है तो 690, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा स्टेट और स्टेट में फाइट करना है तो 640, अगर आपको जनरली स्टेट में चाहिए तो 610 या 620 स्कोर करने ही करने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स है आपको MBBS के लिए। STSC कैंडिडेट का क्या हाल है, STSC कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप में भी ज़्यादा डिफरेंशियस नहीं होता है, इनको भी आपको मिल जाएगा। STSC कैंडिडेट के फिजिकली हैंडीकैप को भी थोड़ा सा डाउनवर्ड चला जाता है, लेकिन जनरली मैं बात करता हूँ 2-3 मार्क्स का डिफरेंसेस होता है, 5 मार्क्स हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको STSC के कैंडिडेट के बारे में। तो STSC के कैंडिडेट मिनिमम आपको अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना है तो 650, अगर आपको स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के लिए दोनों के लिए एलिजिबिलिटी तो 600, अगर स्टेट कोटा तो 550 जरूरी है। पिछले बार कई कॉलेजेस जो हैं स्टेट में, उनमें लगभग
500 प्लस पे ही उठाया गया था। मैंने लास्ट वीडियो में यूपी के कई कॉलेजेस के बारे में बात की है जहां पे एसटी कैंडिडेट के लिए 500 प्लस यानी 505, 503, 510 ऐसे उठाए गए हैं। तो एसटी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 500 आपको करना ही करना है आपको एमबीबीएस के लिए। बाय द वे अगर एमबीबीएस सर, ये तो थी एमबीबीएस की बात है, मैंने कहा कि 700 से लेके 500 तक में जितने भी कैटेगरी हो गए, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एसटीएससी हो गया, फिजिकल हैंडीकैप, इन सब का यू नो दैट वेरी वेल। बहुत सारे वीडियोस आते हैं, मेरे भी कई सारे वीडियोस हैं इनको लेके, और मैंने लास्ट ही वीडियो में बहुत सारे यूपीज के कॉलेजेस के बारे में बात की है जहां पर 500 से लेके 650 तक यूपीज के कॉलेज में कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, जो हायर रैंक के कॉलेज और लोअर रैंक के कॉलेजेस हैं। इसी तरीके से और भी स्टेट्स में आपके हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे थोड़े दूर दराज आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, वहाँ पर आपका हो सके तो एसटी कैंडिडेट के लिए 450 भी जा सकता है। तो अगर 450 भी लाइएगा तो वहाँ के कॉलेजेस में चांसेस आपका बनता है। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा कि काउंसलिंग के जो भी कट ऑफ निकल रहे हैं, जो भी कॉलेजेस कट ऑफ निकल रहा है फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए, मॉप अप राउंड के लिए कितने हैं और कितने पे मुझे एडमिशन मिल जाएगा, ये आपको अवेयर होना है। BDS, BHMS, BUMS, इन सब के बारे में, BAMS, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि अगर नहीं तो ये वीडियो हो जाएगा थोड़ा लंबा। तो दोस्तों ये थी MBBS की बातें। अगर आपको MBBS लेना है इस साल 2023 में तो यू हैव टू स्कोर 650 प्लस और यू हैव टू स्कोर इन द लोअर कैटेगरी वाइज 510 प्लस। और ये कैटेगरी वाइज है, सबसे नीचे मैं बात कर रहा हूँ 510 प्लस, इट्स मीन एसटी एससी के कैटेगरी वाइज आ जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूँ ओबीसी के बारे में 600 प्लस और मैं जनरल के बारे में बात करूँ 650 प्लस। तो ये थी बातें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, इससे बहुत कुछ पता चला होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज़ अपने भाई अपने मेंटर को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहे, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।